ट्रेलर्स ट्रेलर्स एंड ट्रेलर्स। पिछले 10-12 दिनों में इतने सारे ट्रेलर्स रिलीज हुए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, और ये सारे ट्रेलर्स बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों और टीवी सीरीज के हैं। हाल ही में रिलीज हुए ट्रेलर की लिस्ट में से अगर मैं कुछ नाम आपको बताऊं तो उनमें से आता है थॉर लव एंड थंडर, सी हल्क, मिशन इम्पॉसिबल 7, द बॉयज सीजन 3 एंड मच मोर। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि हाल ही में कौन कौन से बड़ी बड़ी मूवीज और टीवी सीरीज के ट्रेलर्स रिलीज हुए हैं, उनके रिलीज डेट क्या है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इस लिस्ट की शुरुआत करते हैं नेटफ्लिक्स की एक मूवी मैन वर्सेस बी से। इस मूवी के लीड रोल में हमें दिखेंगे रोवन एटकिंसन, यानी कि अपने मिस्टर बीन। और इसके ट्रेलर को देख के हम ये बात साफ कह सकते हैं कि ये मूवी एक अच्छी खासी कॉमेडी मूवी होने वाली है, और ये मूवी 24 जून को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। अब बात करें नेटफ्लिक्स की ही अगली मूवी द ग्रे मैन की, तो ये मूवी भी काफी ज्यादा बड़े बड़े अच्छे एक्टरों से भरी हुई है। इस मूवी के लीड रोल में हमें दिखने वाले रैन गॉसलिंग, धनुष, क्रिस इवांस एंड अना दे आर्मास। इस मूवी के बारे में कहा जा रहा है कि ये नेटफ्लिक्स की अब तक की सबसे महंगी मूवी होने वाली है। इस मूवी का बजट 200 मिलियन डॉलर का है, और ये मूवी हमें 15 जुलाई को कुछ थिएटर्स में और सेम डे ही नेटफ्लिक्स पर भी देखने को हमें मिल जाएगी। अगले ट्रेलर पे बढ़े तो ये है टॉम क्रूज की मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1। ये मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइजी की 7वीं मूवी है। वैसे तो अभी इस मूवी का हमें 1 साल से भी ज्यादा समय बाकी है, बट लेकिन हमें इसके टाइटल से ये समझ में आ रहा है कि ये मूवी एक पार्ट में कंक्लूडेड नहीं होने वाली है। इस मूवी के 2 पार्ट बनेंगे, और शायद इस ट्रेलर के रिलीज होने का मतलब यही था ताकि ये हमें बता सके कि ये मूवी एक नहीं बल्कि 2 पार्ट में आने वाली है। अगला ट्रेलर है इड्रिस एल्बा की बीस्ट मूवी का। इस ट्रेलर में हमें दिखाया गया कि इड्रिस एल्बा अपनी फैमिली के साथ एक जंगल में एडवेंचर पे जा रहे हैं, जहां पर उनके ऊपर एक लायन अटैक कर देता है, और अब उन्हें उस जंगल से अपनी जान बचाकर बाहर निकलना है। अगर आपको इस तरीके के एडवेंचर्स और सर्वाइवल मूवीज पसंद आती है तो आप इस मूवी की तरफ जरूर देख सकते हैं। ये मूवी 19 अगस्त को रिलीज होने वाली है। अब बात कर लेते हैं कुछ बॉलीवुड मूवीज और टीवी सीरीज के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं आश्रम 3 की। जैसे कि आश्रम का सीजन 3 रिलीज होने वाला है 3 जून को, इसका ट्रेलर अभी कुछ ही दिन पहले रिलीज किया गया है, और जो लोग इस सीरीज को फॉलो करते हुए आ रहे हैं उन्हें मालूम है कि ये सीरीज किस तरीके की सरप्राइजिंग एलिमेंट से भरी हुई है। तो अगर आप लोगों ने ये सीरीज अभी तक नहीं देखी है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस सीरीज को एक बार जरूर देखें। कई लोगों का ये भी मानना है कि इस टीवी सीरीज को राम रहीम की जिंदगी से इंस्पिरेशन लेकर बनाया गया है। नेक्स्ट है वरुण धवन एंड कायरा अडवाणी स्टारर्स जुग जुग जीवो मूवी। इस मूवी का ट्रेलर भी कुछ दिन पहले रिलीज हुआ, और इस मूवी के अंदर हमें अनिल कपूर और नीतू कपूर भी दिखने वाले हैं। इस मूवी के ट्रेलर को देख के हम ये चीज कह सकते हैं कि ये मूवी एक टिपिकल बॉलीवुड कॉमेडी मूवी होने वाली है, जो कि मसाले से भरी हुई होगी। ये मूवी हमें 24 जून को सिनेमा घरों में देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट इस ट्रेलर के बारे में बात करने वाला हूँ, ये ट्रेलर मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है। मैं बात कर रहा हूँ 777 चार्ली की। इस ट्रेलर को देख के हमें इसकी मूवी की स्टोरी का साफ साफ पता चल रहा है कि हमें एक बंदे की स्टोरी दिखाई जाएगी जिसकी जिंदगी झंड हुई पड़ी है, और उसके बाद उसे एक सहारा मिलेगा, और वो सहारा एक कुत्ते के रूप में उसके पास आएगा, जिसे पहले तो वो हेट करेगा, उससे दूर भागेगा, लेकिन बाद में उसे वो एक्सेप्ट कर लेगा और उसके साथ जिंदगी भर हंसी खुशी बिताएगा। कहने का मतलब इस मूवी के अंदर हमें कॉमेडी देखने को मिलेगी, हमारे इमोशंस के साथ खेला जाएगा, मतलब हमें रुलाया जाएगा, हंसाया जाएगा, और इन द एंड ये मूवी हमें इंस्पायर करके जाएगी कि हमें भी अपनी जिंदगी में हार नहीं माननी चाहिए, चाहे लाइफ कितनी भी ज्यादा टफ हो। अब बात कर लेते हैं सुपर हीरो मूवीज और टीवी सीरीज के ट्रेलर्स के बारे में, जिसके लिए आप लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। तो हाँ दोस्तों, इस हफ्ते में बहुत सारे सुपर हीरो मूवीज और टीवी सीरीज के ट्रेलर्स रिलीज हुए, जैसे कि द अम्ब्रेला एकेडमी सीजन 3। इसके 2 सीजन पहले ही रिलीज हो चुके हैं, और वो दोनों सीजन काफी ज्यादा अच्छे हैं, और इसके 3rd सीजन के ट्रेलर को देख के हम ये चीज कह सकते हैं कि इस सीजन हमें और भी ज्यादा केओस देखने को मिलने वाला है। हमें इसके पिछले 2 सीजन में बहुत सारे टाइम ट्रेवल, बहुत सारा मल्टीवर्स और इसी तरह की बहुत सारी ऊटपटांग चीजें दिखाई गई है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सीजन 3 में भी हमें और भी ज्यादा ऊटपटांग चीजें देखने को मिलेगी। ये टीवी सीरीज 22 जून को रिलीज हो रही है। अब अगले सुपर हीरो टीवी सीरीज के बारे में बात करूं तो ये है सी हल्क। ये मार्वल की तरफ से आने वाली अगली वेब सीरीज होगी, जो कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होगी। ये मिस मार्वल के बाद आने वाली है, मतलब कि इसको आने में भी काफी ज्यादा टाइम बाकी है। ये टीवी सीरीज 17 अगस्त को रिलीज होगी, पर लेकिन अभी इसका ट्रेलर रिलीज हुआ है तो मुझे आज इसके बारे में तो बताना ही था। अब मार्वल की बात चली रही तो मार्वल की तरफ से आने वाली नेक्स्ट सबसे बड़ी मूवी जो कि है थॉर लव एंड थंडर। ये थॉर फ्रेंचाइजी की 4th मूवी होने वाली है, जिसमें हमें क्रिस हेम्सवर्थ दोबारा से रिटर्न करते हुए देखने को मिलेंगे अपनी पुरानी कास्ट के साथ। ये मूवी हमें 8 जुलाई को इंडिया में देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं इस लिस्ट की लास्ट ट्रेलर की, जो कि है द बॉयज का सीजन 3। वैसे तो द बॉयज के सीजन 1 के बाद ही इसका क्रेज बहुत ज्यादा फैल गया था, और इसने अलग अलग कंट्रीज में अपने बहुत सारे फैंस बना लिए थे, क्योंकि इस टीवी सीरीज के अंदर हमें दिखाया जाता है कि अगर सुपर हीरो सच में हमारी दुनिया में अगर होते तो क्या होता। ये उतना अच्छा भी नहीं होता जितना हमें मूवीज में दिखाया जाता है, जैसे कि मार्वल और डीसी में। इस टीवी सीरीज ने हमारी आंखों के सामने रियलिटी ला के खड़ी कर दी। इसने हमें बताया कि अगर सुपर हीरो सच में हमारी दुनिया में होते तो वो पॉलिटिक्स के अंदर जरूर घुस जाते, मतलब कि पॉलिटिशियन उसको अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं, और फिर हो जाता
था सत्यानाश, मतलब कि वो अपने फायदे के लिए अलग अलग कंट्री पे रूल करने के लिए सुपर हीरोज का यूज करते हैं, ना कि लोगों को बचाने के लिए। और यही चीज ये टीवी सीरीज हमें बहुत अच्छे से दिखाती है। ये टीवी सीरीज 3 जून को रिलीज होने वाली है। इसके 3 एपिसोड हमें 3 जून को देखने को मिलेंगे और बाकी एपिसोड हर हफ्ते एक एक करके। इस सीरीज में टोटल 8 एपिसोड होने वाले हैं। इसका आखिरी एपिसोड 8 जुलाई को आने वाला है, सेम डे जिस दिन थॉर लव एंड थंडर का प्रीमियर होगा। इस टीवी सीरीज के सीजन 1 एंड सीजन 2 का कंप्लीट स्टोरी के साथ में रिकैप वीडियो बनाने वाला हूं। अगर आप लोग वो वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप आने वाली अगली वीडियोस को मिस ना करें। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड कीप बिंजिंग।